गुजरात की बेटी ने तैराकी के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जहां तक अच्छे अच्छे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाते हैं। विश्व प्रसिद्ध 7 चैनलों में से एक इंग्लिश चैनल को पार करने वाली वंदिता का लक्ष्य अब भी पूरा नहीं हुआ है। वंदिता खुले समंदर में होने वाले 7 स्विमिंग चैनलों में तैरना चाहती है। गुजरात से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय सफर तय करने वाली वंदिता फिलहाल कोरबा जिले की बहू बन गई है। गुजरात में जन्मी वंदिता को बचपन से ही स्पोर्ट में अधिक लगाव था, खासतौर पर स्विमिंग करना इन्हें काफी पसंद था। वंदिता ने 3 साल की उम्र में स्विमिंग करना शुरू किया था। माता पिता के सपोर्ट और प्रशिक्षण के बाद वंदिता ने तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू किया। स्टेट और नेशनल तैराकी प्रतियोगिताओं में अपने हुनर का लोहा मनवाने के बाद वंदिता ने 7 समुंदर पार अंतरराष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विश्व प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल समुद्र पार कर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्विमिंग के साथ मेरा जो करियर है वो 20-22 साल का है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब से मैं स्विमिंग कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि स्विमिंग छोड़ दिया कभी फिर वापस नहीं गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा स्विमिंग तो मैं करती ही रही हूँ। पहले मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करती थी, अब मैं ओपन सी में स्विमिंग करती हूँ। आगे जाके पता नहीं, शायद मैं कंबाइंड स्विमिंग कुछ करूँगी। बट काफ़ी सारे दुनिया में चैनल्स हैं, एक अब मैंने एक इंग्लिश चैनल स्विम कर लिया है, ओपन सी स्विमिंग कर लिया है, तो मुझे मन है कि मैं आगे और भी स्विमिंग करूँ, ओपन सी स्विमिंग करूँ, और अगर मौका कभी मिला तो स्विमिंग पूल में कॉम्पिटिटिव स्विमिंग भी फिर से करूँ। वंदिता ने फिना वर्ल्ड चैंपियनशिप और इंग्लैंड से फ्रांस तक 13 घंटे के इंग्लिश चैनल समुद्र पार करते हुए पार करने की उपलब्धि हासिल की है, जो किसी भी प्रोफेशनल तैराक का सपना होता है। मगर वंदिता की उड़ान अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि इनका लक्ष्य तो दुनिया के 7 चैनलों को फतेह करना है। जैसे इंग्लिश चैनल एक चैनल हुई, उसी तरह से एक नॉर्थ चैनल होती है जो आर्कटिक चैनल होती है, जो बहुत ठंडा पानी होता है, जहाँ पे 5 डिग्रीज मतलब बहुत ही गर्म पानी कहलाता है उनके लिए, और माइनस में टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। मुझे वो स्विम करना है, और कैटलिना स्विम है एक जो मैनहट्टन में होती है, मुझे वो भी स्विम करना है। इन तीन चैनल को अगर कोई तैरता है, कैटलिना, नॉर्थ चैनल और इंग्लिश चैनल, उसको क्राउन चैनल बोलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये तो कंप्लीट करूँ। और दुनिया में ऐसी 7 चैनल्स हैं, 7 चैनल हैं जिनको आप तैर सकते हो, उसमें से एक इंग्लिश चैनल है। तो कोशिश तो मेरी रहेगी कि मेरी उम्र में, इस उम्र में तो मैं ये 7 कर लूँ। खुले समंदर में अकेले तैरते वंदिता की ये तस्वीर जितनी रोमांचक है उतनी खतरनाक भी। अधिकांश लोगों को तो इस प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी ही नहीं होगी। वंदिता के सपने की उड़ान अभी बाकी है। फिलहाल वंदिता अब कोरबा जिले की बहू बन गई है। कटघोरा के शासकीय कॉलेज में बतौर प्रोफेसर मदन मोहन जोशी के पुत्र डॉक्टर वैभव जोशी के साथ वंदिता परिणय सूत्र में बंध गई है, मगर विवाह के बाद भी वंदिता का ये सफर जारी रहेगा। रिसेंटली जस्ट मेरी शादी हुई है मिस्टर वैभव जोशी से, तो उस वजह से अब मैं छत्तीसगढ़ आ गई हूँ, यहाँ पे रहूँगी। अब मेरे मम्मी पापा दोनों स्विमिंग स्पोर्ट्स के काफ़ी शौकीन हैं, उनको एक्टिव रहना काफ़ी पसंद है, तो उन्हीं ने मुझे इंस्पायर किया, उन्होंने मुझे आगे प्रोत्साहन दिया कि करो, स्विमिंग करो, स्केटिंग करो, ड्राइंग करो, सब कुछ करो। तो उसी में जो मेरे कोचेज थे, उनको लगा कि मेरे में हुनर है स्विमिंग का, और अगर मैं करना चाहूँ तो आगे काफ़ी आगे बढ़ सकती हूँ। तो उसी से उन्होंने भी मुझे काफी पुश किया कि करो, आगे बढ़ो, अच्छे से करो। श्रीमती वंदिता जोशी की इस कामयाबी पर उनका ससुराल पक्ष भी गदगद है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैराकी के इस क्षेत्र में मुकाम हासिल कर वंदिता ने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। वंदिता अब कोरबा के कटघोरा में ही रहेगी। उनकी मौजूदगी ही जिले के तैराकों का मनोबल बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एसएन न्यूज़।